हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी जीरो चैप्टर मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। ओके, बेसिकली मैथमेटिक्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर दी साइंस। मैथ्स है क्या? मैथ्स इज योर ओनली लैंग्वेज। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज विच इज एबल टू अंडरस्टैंड द साइंस। साइंस को समझने का एक लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ कि वेन यू आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल द साइंस, then mathematics is a very very important to understand the physics, to understand the science. clear? तो आज का बड़ा topic है mathematics in physics, and these are the very very important content which I am going to teach you. reason क्या है important content क्यों ये कह रहा हूँ मैं इसको? basically जब आप physics पढ़ते हो, ठीक है, या chemistry पढ़ते हो, तो बहुत सारे ऐसे calculation होते हैं जो बगैर फॉर्मूले के नहीं हो सकते, और वो फॉर्मूला हम सिर्फ मैथमेटिक्स में ही पढ़ते हैं। क्लियर है? इसलिए हमें फिजिक्स में मैथमेटिक्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बिफोर द स्टडी ऑफ टीचिंग, बिफोर द स्टडी ऑफ दिस चैप्टर, जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस। क्लियर है? सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम यू हैव टू स्टार्ट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले हमें पढ़ना है। लाइक पहला फॉर्मूला हमने दिया है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सभी लोग पढ़े हो, आप सभी लोग नाइन्थ क्लास से ही इस फॉर्मूले को पढ़ते आए हो, या इसको ऐसा ले सकते हो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला निकल के आएगा। और दूसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका कैसे हम यूज़ करेंगे, ध्यान देखिए। सपोज आप दिया है टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर आपको गिवन है, तो आप क्या करोगे? ए स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, a मींस 2x इंटू b मींस 4। क्लियर है? तो यू कैन सॉल्व इट, 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16x। तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट। अगर कोई भी इक्वेशन आपको दिया हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप ऐसे एक्सपेंड करके उसका रिजल्ट ले सकते हो। दूसरा है, जैसे आपको दिया है थ्री, सपोज करो मैं आपको कह रहा हूँ टू एक्स होल स्क्वायर माइनस टू वाई होल स्क्वायर, हमने आपको दे दिया, तो आप क्या कर सकते हो? इसे ले सकते हो ऐसा टू एक्स माइनस टू वाई इंटू टू एक्स प्लस टू वाई। क्लियर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंड करने का ये तरीका है। या आपको दिया हो, सपोज करो मैंने आपसे कह दिया 81 माइनस 16। ओके, तो ये थोड़ा आसान करने के लिए क्या करेंगे, 81 9 का स्क्वायर होता है, 9 नाइन 81 माइनस 4 का स्क्वायर, ये से नो, इसको लिख सकते हो 9 प्लस 4 इंटू 9 माइनस 4। क्लियर है? 9 प्लस 4 कितना होता है 13, एंड 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, ठीक है, एट योर 65, यस या नो? तो दिस इज अ वे टू कैलकुलेट। ठीक है, तो कुछ मैथमेटिक्स होते हैं जो इन फार्मूलों की वजह से उनका कैलकुलेशन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। सेम वे नेक्स्ट फार्मूला यू कैन सी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इसको कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। सपोज मैंने आपसे कहा 3x प्लस, बेटा ओम, 3x प्लस 3x प्लस 2y प्लस 2z मैंने आपको दिया आपको, एंड यू हैव टू स्क्वायर इट। जब इसको स्क्वायर करोगे क्या होगा, 3x स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4y स्क्वायर एंड सी स्क्वायर मीन्स 4z स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब 2 इंटू ए इज योर 3x एंड बी इज योर 2y, यस या नो? सिमिलरली 2bc, ओके, तो 2 इंटू बी इज योर 2y एंड सी इज योर 2z प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, सी इज योर 2z एंड ए इज योर 3x। क्लियर है? दिस इज योर सोल्यूशन। सॉल्व करिए 9x स्क्वायर
प्लस 4y² प्लस 4z² प्लस 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 xy, यस नो, प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 yz, प्लस 2 × 2 = 4, 3 × 12 zx, क्लियर है? दिस इज योर फाइनल आंसर। तो अगर कोई भी इस तरह का थ्री वेरिएबल इक्वेशन आपको गिवन हो और आपको फॉर्मूला याद हो तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है? सिमिलरली अनदर फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी, जिससे आपको दे दिया मैंने 2x प्लस 4 का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब मीन्स 2x का होल क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 4 का क्यूब प्लस 3 इज योर 2x इंटू बी इज योर 4 एंड a प्लस बी 3x प्लस 4, यस या नो? सिंप्लीफाई करिए, 2x क्यूब मीन्स दैट इज योर 2 क्यूब मीन्स 8 क्यूब, 8x क्यूब हो जाएगा प्लस 16 का क्यूब कितना होगा 64, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज योर फॉर्मूलाज या कुछ वैल्यू ऐसी होती है जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू स्कोर बेटर मार्क्स, क्लियर है? या अगर आपको स्पीड कैलकुलेशन करना है तो 8 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 6, 4 = 24 एक्स, 3x प्लस 4, यस या नो? और सिंप्लीफाई करिए, 8x क्यूब प्लस 64 प्लस 24 × 3 = 24 मीन्स हो गया 4 × 12, 2 carry 1, 3 × 2 = 6 एंड 72, ओके एक्स स्क्वायर, यस या नो? प्लस 24 × 4 = 4, 4 × 16, 6 carry 1, 4 × 2 = 8 एंड 96, यस या नो? इनटू एक्स, तो इसको और सिंप्लीफाई करिए, 8x क्यूब प्लस 72x² प्लस 96x प्लस 64, दिस इज योर आंसर। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद होगा डेफिनेटली यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, क्लियर है? तो a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी, क्लियर है? सेम वे अगर आपसे मैं कहूँ a प्लस बी का होल क्यूब कैलकुलेट करना हो तो आपका फॉर्मूला था a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है, आपने फॉर्मूला लिखा था ना, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, अभी फॉर्मूला लिखा था आपने, मैं कहूँ इसकी वैल्यू बताइए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो राइट हैंड साइड ये टर्म है इसको आप कहाँ लाओ, लेफ्ट हैंड साइड लिखाओ, तो a प्लस बी होल क्यूब ओके माइनस 3ab ए प्लस बी हो गया। अब a प्लस बी कॉमन ले लो, देखो दोनों में a प्लस बी कॉमन है, a प्लस बी कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab बचा, सिंप्लीफाई करिए इसको, तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, तो फॉर्मूला क्या आ गया, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ध्यान रखना, दिस इज फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये आपको याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कई बार हमने देखा है फिजिक्स में या और भी सब्जेक्ट में, अगर आपको स्पीड कैलकुलेशन करना होता है तो वहाँ हम इसको यूज करते हैं, क्लियर है? वहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं, क्लियर? सेम वे अगर आपको यही a माइनस बी का होल क्यूब निकालना हो, अगला हेडिंग वही है a माइनस बी का होल क्यूब, तो सेम वे पहले आप a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला जानो, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का। तो सेम वे अगर इसको निकालना हो जाए, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी होल क्यूब यस या नो प्लस 3ab a माइनस बी, यस या नो? सिंप्लीफाई करिए, a माइनस बी यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम बोथ साइड, क्या मिलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab, एग्री? अब यहां पे करिए a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नो प्लस बी स्क्वायर माइनस
टू ए बी और पहले से थ्री ए बी प्लस का ऑलरेडी है, तो सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आई बात समझ, दिस इज योर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये वो फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत आपको फिजिक्स में किसी न किसी फॉर्म में पड़ेगी। क्लियर है? हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैलकुलेट कैलकुलेट 9 क्यूब माइनस 3 क्यूब। ठीक है, सिंपली कैलकुलेट करना पड़ जाता है, क्या करोगे आप, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको 9 का क्यूब करना फिर 3 का क्यूब करना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, तो 9 माइनस 3 और 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 3 सॉल्व कर लीजिए, तो स्क्वायर तो आपको मालूम होगा, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 और 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 3 जा 27, आसानी से ऐड करके 6 मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर निकल जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला विच इज इंक्रीज योर स्पीड फॉर द कैलकुलेशन। क्लियर है? ओके, अगला हम आते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab। अगर आपको माइनस 3abc निकालना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर क्या लिखोगे ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कंडीशन यह दिया है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगर हो जाए देन यू कैन से भाई अगर कंडीशन से दे दिया कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो ये वाला टर्म जीरो, जब ये जीरो तो टोटल जीरो हो गया, ये से नो, तो उस केस में क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये ध्यान रखना है, अगर ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो रहा हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू होती है क्या होती है 3abc। काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, जबकि दिया हो क्या 3abc होता है। कंडीशन क्या है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? अगर ऐसा कंडीशन है तो ये आपका इक्वेशन फुलफिल होगा। क्लियर है? तो दीज आर द सम अलजेब्रिक इक्वेशन विच विल बी यूज इन फिजिक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, दूसरा होता है पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है? बेसिकली पॉलीनोमियल क्या होता है, ये किसी इक्वेशन के डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए स्टेटमेंट पहले रीड करिए, पॉलीनोमियल बेसिकली डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। जैसे सपोज करो मैं आपसे कहूँ एक इक्वेशन दे दिया हमने कि वाई इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 4। हाईएस्ट पावर कितना है, x है ना, x पावर कितना है, हाईएस्ट कितना है 3 है, तो ये 3 डिग्री का इक्वेशन है, 3 पावर का इक्वेशन है। इसको हम जनरली कहते हैं क्या, अगर पावर 3 हो तो क्यूबिक पॉलीनोमियल बोलते हैं इसको, पावर 2 अगर हो तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, अगर x की पावर 1 हो तो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, और x पे कोई पावर न हो या x पावर 0 हो उसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल, और अगर x पावर 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बोलते हैं। ये सारे स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। तो जनरली इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, fx इज इक्वल टू, एक जनरलाइज इक्वेशन होता है fx इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन, अब घटता जाएगा ए एन माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस 1 ऐसे घटता जाएगा प्लस ए एन माइनस 2 एक्स पावर एन माइनस 2 करते जाओगे कहां तक ए वन एक्स प्लस ए नॉट। क्लियर है? तो इस तरह से हम लिखते हैं इसको। तो पॉलीनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो कितने डिग्री का इक्वेशन है, अगर हमने ऊपर लिखा वाई इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² प्लस एक्स प्लस 4 तो 3 डिग्री का इक्वेशन है, यानी कि पावर 3 का इक्वेशन है। क्लियर है? पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3 आर कॉल्ड द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिकल पॉलीनोमियल। अगर पावर मैक्सिमम 1 हो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलीनोमियल, दूसरा अगर पावर 2 हो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अगर पावर 3 हो उसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पॉलीनोमियल कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, अगर पावर 0 हो तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, अगर एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है तो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलीनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं,
इस वाले इक्वेशन मैंने कहा वाई इज इक्वल टू फोर, तो फोर का मतलब क्या हुआ, एक्स पावर जीरो लिख सकते हो ना, फोर इंटू वन, वन कैन बी रिटन एज एक्स टू द पावर जीरो, यस नो? तो ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। दूसरे वाले में आ जाए, वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर लिख दिया हमने, यहां एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है वन, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। या यहां पे हमने लिखा y इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है टू। सेम वे अगर क्यूबिकल हो तो y इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर ऐसे पावर फोर हो जैसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आई बात समझ में, तो दिस इज अ क्लास ऑफ पॉलिनोमियल या टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, क्लियर है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, जैसे कोई एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, तो इसे लिखोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स तो अगर इसके इक्वल टू जीरो है तो ये किसका इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्लियर है, जिसमें एक्स की पावर कितना है वन, वाई की पावर भी क्या है वन है। इसका मतलब क्या है, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये आपके लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लीनियर मतलब अगर इसका कोई ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो लीनियर ग्राफ बनेगा इस तरह से, क्लियर है। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लिखते हो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है, आपने कई बार एट्थ क्लास सॉल्व किया होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या दिखा था आपने, एक्स निकालो तो क्या लिखते हो आप, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, याद है, यही तरीका होता है फाइंड आउट करने का, क्लियर है। अच्छा एक्स स्क्वायर है तो एक्स के दो रूट होंगे, एक प्लस दूसरा माइनस, एक्स के दो रूट होंगे एक प्लस दूसरा माइनस, क्लियर है। अगर जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखो, इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, तो फाइंड द एक्स, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ये फार्मूला है। यहाँ बी की वैल्यू क्या है, बी इज इक्वल, भाई आप कंपेयर करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किए इक्वल टू जीरो से, तो ए की वैल्यू क्या है टू, तो बी की वैल्यू क्या है माइनस वन है, तो माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, ए इज योर टू है, इंटू सी इज योर माइनस थ्री डिवाइड बाई टू इंटू वन, तो क्या हो गया माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस फोर टू जा एट, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, तो प्लस ट्वेंटी फोर हो गया डिवाइड बाई टू, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू, और फाइव का रूट कितना, ट्वेंटी फाइव रूट कितना होगा फाइव, तो वन प्लस माइनस फाइव बाई टू। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की दो वैल्यू हो गई, कौन कौन सी, जब एक बार प्लस लोगे तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस फाइव बाई टू, दैट इज योर फोर बाई टू, दैट इज योर थ्री, ये सुनो, और एक्स की दूसरी वैल्यू होगी माइनस वन माइनस फाइव बाई टू, तो गया माइनस सिक्स बाई टू, दैट इज योर माइनस थ्री, तो सॉरी यहाँ पे टू आएगा ऊपर, तो ये क्या वैल्यू आ गई, एक्स की दो वैल्यू हुई, एक तो पॉजिटिव टू और दूसरा निगेटिव का थ्री। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं, पॉलिनोमियल हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अलजेब्रा में हम यही इक्वेशंस यूज करेंगे जो आपको बेसिकली हमने दिखाया है, इसके अलावा और कोई इक्वेशंस अलजेब्रा में, फिजिक्स में तो नहीं यूज होंगे, क्लियर है। तो आज हमने अलजेब्रा कंप्लीट किया, नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अगला पार्ट मैथमेटिक्स का दूसरा फेज, क्लियर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।